अल्लाह भी दौलत पैसा, रसूल भी पैसा, मां भी पैसा, देव भी पैसा, पीर भी पैसा, उस्ताद भी पैसा। मौलवी तस्वीर आराम है, शिरक है। मौलवी की छाती उत्ते कादी आजम की तस्वीर, बटुए ने हथे रखी दिले उत्ते, तलू दिल तड़कना है, आना तो हां वाकई ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। पैसा पैसा इबादत, पीरां दा मर्जा पैसा, मौलवियां दा मर्जा पैसा, नाथ खान कवाल जितने भी जितने तबके, जितनी दुनिया है, जितनिया कौमां नूं, जितने तहजीबां नूं, जितने सदर तों वजीर आजम तों, इना फायदा ना होवे यार तेरे तक बैठे ना रहो, क्यों बैठे बोलो ना। वो ऐडे पागल सारी दुनिया बियानी ले आओ, सारी दुनिया भी आनी, पांच साल मुको लगे ने आ रहा पहले ही आने नहीं, पांच साल अगले नहीं तैयारी। ते अगर एडी कोई वड़ी सीट है खुलफाए राशिदीन आदी, हाय आज दे दौर दे सदर वजीर आजम, अगर काश खुलफाए राशिदीन या कम से कम उमर बिन अब्दुल अजीज के दौर में आना, ते एक दिन भी है बह जाना ना तो मैं इन्होंने टंगा तलू लग जाना, एक दिहाड़े भी जिस तरह फारूक आजम बैठे, जिस तरह सिद्दीक अकबर बैठे, जिस तरह उस्मान गनी ते अली अल मुर्तदा बैठे, जौ दियां रोटियां खावा ते थिगड़ियां लावा, सुइयां नाल सीओवा, ते जिसले सरकारी काम बंद हो जाते बत्तियां फूका मारो, मैं तकाया ना केड़ा बहना है तुसा चू, ये अयाशियां ते तां बैठे हो। ऐ किधर गई इमदाद सारी जड़ी आई है आजाद कश्मीर वाले बेचारे जड़े मुजफ्फराबाद वाले, नहीं मैं पूछ सकता, खरब रुपए आए खरब रुपए, और एक काम सुती गई जड़ी छिलड़ भी नहीं देनी, ऐ पाकिस्तानी कौम छोटी कौम, इस भी डट के खिदमत की। मैं हैरान हो गया कि कराची तो कहन के जड़ी इस खिदमत की थी कि इस हद ही कर दी, मेरी अखियां खुल गई कि हे कौम हे के काम है पीछे मरने वाले, कपड़े चीड़े जो घर में आए ना बारियां फेर के अपने गरीब भरावान वास्ते, मुजफ्फराबाद वाले वास्ते, आजाद कश्मीर वाले वास्ते, लंदले में जड़े लोग आफत रसीदा हुए उन्होंने वास्ते भेजे, एक करामत तो घट नहीं पाकिस्तान की कौम ने देना, जिहड़ी खुद लेने वाली है। ते उत्तू सारी दुनिया भेजा, सारी दुनिया वो किधर गया, कितना लाया ने वो, पिछे मैं पता लगे जो उन्हें बिल पूछे तफसील दसो लाई कितने ने, हम इलेक्शन पे आना है ना इंशाल्लाह लक्सी ना थे लक्सी, हाँ पीछे रैलियां भी निकलियां रौले भी निकले सारा कुछ इतनी लक्सी ना अपना जलजला अल्लाह की तरफ आ गया मजे सारे तुझी करो, है जी एक कौम है जनाब उस ते सिर्फ पैसे का चक्कर है, ना कोई नसब अज कर रहा है, ना कोई कौम रही है, ना कोई काफिर रहा है, ना कोई मुसलमान रहा है। वो मैं शेर नहीं आख्या कि तेरी निस्बत ही तो है जिसके सहारे हम लोग, जिसकी बदौलत हम लोग कुफर के दौर में ईमान बचाए हुए। मैं झूठ से नहीं आख्या, ये कमली वाले की निस्बत अल्लाह की कसम कदे ना हो, एक कच्चे खाब जो तो सा है जड़े बेईमान बखुदा हर पासे फिरने पे, शमा ने सर पे रखी आग कसम खाने को, बखुदा मैंने जलाया नहीं परवाने को, शमा ने सर पे रखी आग कसम खाने को, खुद जला मैंने जलाया नहीं परवाने। तेरी महफिल किसी को जीते जी उठने नहीं देती, देती। तेरी महफिल
किसी को जीते जी उठने नहीं देती, वो है जिंदा जनाजा जो तेरी महफिल से उठता। मैं क्या अगर जी मसीती जी अल्लाह ना जिक्र करो, मुस्तफा ने जिक्र नहीं केड़ी जरूरत है। कई बंदे आने ना ठीक है, तू वड़ा जालिम केड़ा है कि जेड़े मस्जिद अल्लाह ने जिक्र तू रोकने इस तू आयत कड़ने भाई सिर्फ अल्लाह ना जिक्र करो। पर मैं एक और भी जिक्र करना सुनियो गौर नाल। अल्लाह ने ठीक है माड़ा जिक्र करो, पर मैं कई जेड़े आने जी इत्थे तुसी रसूलुल्लाह ना जिक्र क्यों करने हो, ते मैं उन्हें आख्या भाई अल्लाह अपनी इताअत ते रसूल नी इताअत एक चीज आख्या अतीउल्लाह वातीउर रसूल। अतीउल्लाह आखना काफी है, रसूल नाल जिक्र करने की केड़ी जरूरत है। फरमाया मेरी इताअत करो, रसूल नहीं केड़ी जरूरत है ना। फरमाया मेरी भी इताअत करो, रसूल नहीं भी इताअत करो। लफ्ज दो इताअत एक है, मेरी या मेरे रसूल दी। रसूल दी इताअत सिर्फ करो ते गोया मेरी इताअत, मेरी इताअत करो ते गोया तुसा रसूल दी इताअत की। ते इत्थे अल्लाह क्यों रसूल नाल रखिया कि मस्जिद में जिक्र करने का क्या फायदा, मतलब इस आयत में रसूल के जिक्र करने का क्या फायदा। अल्लाह रसूल नाल रखना है ये उसनी आदत है, कलमा शहादत है जो उसने छोड़िया नाल नाल ही नाल है। ते मजा एवे के दोआं ते नुक्ता कोई नहीं, ना अल्लाह ते नुक्ता है ते ना मुहम्मद ते नुक्ता है।